नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी वेबसाइट में ब्लॉग्स के बारे में कि अपने वेबसाइट ड्रूपल की वेबसाइट में ब्लॉग्स को कैसे यूज़ करते हैं और इनको इस पे कैसे वर्किंग करते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ड्रूपल की वेबसाइट पे अगर आपको ब्लॉग सेट करना है तो ब्लॉग सेट करने के लिए आपको अपने ड्रूपल की जो आपकी थीम है उसमें रीज़न सेट होते हैं। तो अगर आप कोई ब्लॉग सेट करते हैं तो वो उसी रीज़न में ही सेट होंगे, उसके बाहर नहीं हो सकते। तो जैसे कि ये साइड बार है, ये एक साइड बार एक रीज़न है, ये हेडर है, ये कंटेंट इसका है मेन कंटेंट, और ये इसका फुटर है। तो ये देखिए एक फुटर, ये भी एक ब्लॉग है। और अगर ये सर्च बॉक्स की बात करें तो ये भी एक ब्लॉग है, और एक ये जो नेविगेशन है मेनू है ये भी एक ब्लॉग है। तो एक रीज़न में, रीज़न क्या हो गया, रीज़न जैसे ये साइड बार हो गया। अब इस रीज़न में हम छोटे छोटे ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे जहाँ चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं। तो जानते हैं ब्लॉग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ब्लॉग्स पे जाते हैं। तो जितने भी आप ब्लॉग्स अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी, और वो किस रीज़न में सेट हैं ये भी आपको यहाँ मिलेगी, और उनको किस पेज पे कहाँ दिखाना है वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है, वो बाद में बात करेंगे। पहले एक बात कर लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेट ब्लॉग रीजंस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों जो थीम है इस पर कितने रीजंस दिए हैं, जो ये येलो में है ये पूरे रीजंस हैं, साइड बार हाईलाइटेड, सेकेंड साइड बार, सेकेंडरी साइड बार। तो ये सारे रीजंस हैं। अगर आप कोई ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो ये इन्हीं रीज़न में ही आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये ब्लॉग पे चलते हैं दोबारा, रीजंस थे ये। तो ये देखिए जैसे ये सिस्टम हेल्प, ये हेल्प रीजंस के अंदर आएगा, जो हमने भी अपनी वेबसाइट पे देखा था साइड बार। उस पे जो पहला ने ब्लॉग था वो सर्च था, सर्च का फॉर्म था। एक नया कर नए टैब पे ओपन करके देखते हैं, ये था ये ब्लॉग, ये यही ब्लॉग है। और ये नेविगेशन, ये नेविगेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर कर दीजिए और आपका ये सर्च फॉर्म नीचे हो गया। अब इसको सेव करते हैं। अब दोस्तों ये चेंज जाएगा क्योंकि हमने वहाँ उसका ऑर्डर चेंज किया। अब नेविगेशन ऊपर हो गया और कॉन्फ़िगरेशन सर्च बॉक्स हमारा इधर आ गया। और ब्लॉग के और डिटेल में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। तो ये दोस्तों वो टाइटल है जो कि आप सेट करते हैं, जो कि आपको जैसे कि यहाँ जो ब्लॉग का जो टाइटल है वो नेविगेशन है। तो आप जब कोई ब्लॉग क्रिएट करेंगे तो आप अपना टाइटल यहाँ देंगे। अगर आपको टाइटल नहीं दिखाना उस ब्लॉग का तो आपको यहाँ ये नन पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, और सेव कर देना। तो वो ब्लॉग एम्प्टी आएगा, मतलब उसको टाइटल नहीं लेके आएगा, टाइटल सेट नहीं होगा उसका। यहाँ पर रीजंस की सेटिंग्स हैं कि ये आपके प्रोजेक्ट में कुछ थीम्स हैं, उन थीम्स में उनके रीजंस में आपको ये ब्लॉग कहाँ सेट करना है वो है। जैसे कि ये साइड बार फर्स्ट में सेट हुआ है, तो अगर हम चाहते हैं कहीं और किसी रीज़न में दिखे तो हम यहाँ से वो सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। हम साइड बार फर्स्ट में ही रहने देते हैं। उसके बाद विजिबिलिटी सेटिंग्स में यहाँ पर वो जो आपका जो पर्टिकुलर ब्लॉक है उस वो किस पेज में आपको शो करना है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे कि ऑल पेजेस एक्सेप्ट दोज लिस्टेड, आपको जिस पेजेस में आपको वो ब्लॉक नहीं दिखाना है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पेस्ट करनी पड़ेगी, जब आप ये रेडियो बटन सेलेक्ट किए होंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पेज के लिए दिखानी है या केवल उन्हीं पेजों के लिए दिखानी है जो आप देना चाहते हैं इस टेक्स्ट एरिया में, बॉक्स में,
तो आपको ये बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें ओनली द लिस्टेड पेजेस, केवल उन्हीं पेजेस के लिए वो ब्लॉक शो होगा। और आपको केवल अगर फ्रंट पेज के लिए चाहिए तो उसका ये कोड है फ्रंट। आपको किसी, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर दे रखा है ब्लॉक, और ब्लॉक के सब पेजेस में भी आपको चाहिए तो उसका पैटर्न ये है कि आप ब्लॉक पेस्ट करेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से आपको ब्लॉक के सब पेजेस में भी दिखाना है तो ये इस तरीके से आपको पैटर्न सेट करना पड़ेगा यहाँ पर और सेव करना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन थी, किस टाइप से अपने ब्लॉक को हम यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स है कंटेंट टाइप की, उसी कंटेंट टाइप में ये ब्लॉक दिखे। तो ये यहाँ पर है, उसी कंटेंट टाइप में ही ये ब्लॉक दिखेगा। किस यूज़र के लिए दिखाना है, अगर हमें चाहते हैं केवल हम अपने रजिस्टर्ड यूज़र के लिए ही दिखाएं तो हम केवल ऑथेंटिकेटेड पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे, केवल वो ब्लॉक केवल उसी यूज़र को दिखेगा जो कि आपके पास रजिस्टर्ड होगा। ये उसकी सेटिंग है, ठीक है दोस्तों। ये था ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो में अपने एक ब्लॉक के बारे में और पढ़ेंगे, हम एक नया ब्लॉक क्रिएट करेंगे और कैसे उसको अपने पेजेस पे सेट कर सकते हैं वो देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।